उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत संचालित किए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण को प्रभावी ढंग से संचालित करने के उद्देश्य से कौशल सतरंग का कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह द्वारा विकास भवन परिसर में मिशन को बैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसके पहले नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ITI और कौशल विकास मिशन के तहत मिलने वाले रोजगार के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण गोरखपुर मंडल राजेश राम, राजकीय ITI के प्रधानाचार्य व जिला समन्वयक उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के सत्य क्रांत कौशल विकास मिशन के जिला मैनेजर कौशलेंद्र प्रताप सिंह, राजकीय ITI के निदेशक अनिल यादव, कार्यालय सहायक प्रजान शाही सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, हम बदल रहे हैं, देश बदल रहा है, और जो हमारा बबुआ है बदलना है, सबको काम मिल रहा है, राज्य सरकार का सबको हुनर, सबको कैसे कैसे आता जा रहे हैं प्रदेश सरकार द्वारा कौशल विकास मिशन में आज जगह जगह जाके नुक्कड़ नाटक और एक एलईडी लगा के गाड़ी में हमने रवाना किया है, जिसमें जो हम स्किल डेवलपमेंट में जो हमारे 70-72 विषय हैं उसके बारे में जानकारी देंगे, और युवाओं को जो 14 से 35 वर्ष के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क ITI के कोर्सेज कराए जा रहे हैं, जिसके साथ उनको सॉफ्ट स्किल्स और ताकि वो अपने व्यवसाय को चला सके, जहाँ भी स्किल्ड की ज़रूरत है वहाँ जाके अच्छे से नौकरी कर सके, और इन सब के जो कोई फीस नहीं है उनको उसमें किताबें यूनिफॉर्म सब कुछ दिया जाता है फ्री में, और उसके साथ वो अपना स्किल डेवलप करके और अपनी पढ़ाई भी आगे कर सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं, अपना व्यवसाय भी कर सकते हैं और अपना रोज़गार पैदा कर सकते हैं, भारत के विकास में हमारे प्रदेश के विकास में सहयोग कर सकते हैं। इंडस्ट्री को स्किल्स चाहिए, उस पर हम फोकस कर रहे हैं, जिसमें लोगों ने एक जगह डिमांड की है कि हमें जो ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें भी सहयोग किया जाए, तो उस पर भी हमारा विचार है, जल्दी ही उसमें भी एक हम लोग लॉन्च करेंगे। और इसके अलावा जैसे सॉफ्ट स्किल है, इंग्लिश आना चाहिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, उस पर भी वर्क फाइनली चले, तो जो आने वाले दिनों में इसमें सब में आपको मिलेगा, क्योंकि अब कोविड में रिलैक्सेशन जो मिल रही है उसी का इंतजार हो रहा था कि ताकि हम स्टूडेंट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकें। स्कूल कॉलेजेस खुल रहे हैं, फिर ये अभी पूरे फुल फॉर्म में इसको चलाया जाए।